नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्या शुक्ला। एक बार फिर आ गई हूं आप लोगों के लिए बिग बॉस की सारी अपडेट्स लेकर। वैसे इस वीक बिग बॉस ने जब से घर वालों को जगाया है, लग रहा है घर वाले काफी ज्यादा जाग गए हैं। कल के एपिसोड में तो काफी कुछ हो गया। एलिमिनेशन के बाद पायल मलिक एक बार फिर बिग बॉस के मंच पर दिखी और उसके बाद तो बवाल ही हो गया। अरे भाई, बिग बॉस के घर में थप्पड़ वगैरह चल गए। तो क्या था ये थप्पड़ कांड, किसने किसको और क्यों मारा थप्पड़, और इस वीक कौन हुआ घर से बेघर, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वीक घर से जो सदस्य बेघर हुआ है वो है मुनीषा खटवानी। जी हाँ, बिग बॉस के लास्ट एपिसोड में मुनीषा घर से बेघर हो गई, पर इस बार वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अरमान मलिक ने गुस्से में आकर विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विशाल ने उनकी बीवी कृतिका मलिक को लेकर कुछ बोल दिया था जो अरमान मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस घर के सबसे अहम नियम को ताक पर रखकर विशाल को जड़ दिया एक थप्पड़। दरअसल हुआ ये कि विशाल और लव कटारिया बैठकर साथ में बात कर रहे थे, तभी वहाँ कृतिका मलिक आती हैं और विशाल उनसे बोलते हैं कि भाभी आप बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर कृतिका वहाँ से चली जाती हैं। तब विशाल कटारिया से बोलते हैं कि मुझे एक गिल्ट है, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा, और फिर वो कहते हैं कि उनको भाभी अच्छी लगती हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इन अ गुड वे, और यही बात पायल ने आकर अनिल कपूर के साथ ही सभी घर वालों को बता दी, जिसके बाद ये पूरा कांड हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच विशाल लगातार बोलते हैं कि उनका कोई गलत मकसद या सोच नहीं थी इसके पीछे। अब सवाल ये आता है कि क्या इतने बड़े रूल ब्रेक के बाद अरमान मलिक घर से बाहर हुए या नहीं, इसके पीछे भी पूरा प्रोसेस हुआ, वो भी सुनिए। बिग बॉस ने रणवीर शौरी, लवकेश कटारिया और दीपक चौरसिया को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। बिग बॉस ने रणवीर, दीपक और लवकेश के सामने कुछ पॉइंट्स रखे, जैसे कि एक पति के सामने उसकी बीवी पर आपत्तिजनक कमेंट करना और इसको लेकर पति का रिएक्ट करना, ये कितना सही और कितना गलत है। इसके बाद लव ने बताया कि विशाल ने क्या बोला था और कैसे बोला था। लव ने ये भी साफ कहा कि वो विशाल का बचाव नहीं कर रहे, उसने गलत बोला था। इसके बाद घर वालों के बीच हुई वोटिंग कि अरमान को इस कांड के लिए घर से बेघर करना चाहिए या नहीं। नेजी को छोड़कर सबने ही अरमान का साथ दिया और अरमान को बिग बॉस ने एक और मौका दिया, पर सजा के तौर पर अरमान को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट जरूर कर दिया। पर अब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये विशाल के साथ सही हुआ या गलत। अगर विशाल की गलती थी तो क्या बिग बॉस के घर के अंदर रहकर अरमान को इस घर का ये अहम नियम तोड़ना चाहिए था, या फिर अरमान ने ऐसा करके बिल्कुल सही किया, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।